अब 10 साल हो गए कि मैं अमेठी में काम कर रहा हूँ और बहुत खुशी होती है मुझे अमेठी के लिए काम करने की। तीन चीज़ें हमने यहाँ की हैं काफ़ी गहराई से। सबसे पहले महिलाओं के लिए समूह के साथ बहुत काम किया है, तकरीबन 10 लाख महिलाओं को हमने यूपी में जोड़ा है, यहाँ भी बहुत सारी महिलाओं को जोड़ा है, बैंक से जोड़ा है, उनकी आमदनी बढ़ी है, दूध का काम किया है, फूड पार्क की बात की है, फूड पार्क के माध्यम से हम अमेठी के किसान को बाकी हिंदुस्तान से बाकी दुनिया से जोड़ना चाहते हैं, वो हमारा एक बड़ा काम था। और तीसरा काम नेशनल हाईवे, रेलवे लाइन, इन चीज़ों से अमेठी को जोड़ने का। आने वाले समय में इन चीज़ों को मैं और गहराई से करूँगा, रोज़गार का काम, युवाओं के रोज़गार का काम भी और गहराई से करूँगा, तो वहाँ मेरा फोकस होगा। कहाँ, यहाँ देखिए, अमेठी में पारिवारिक रिश्ता है, अच्छी जीत होगी। नो एक्चुअली आई डिडंट गेट पर्सनल, आई जस्ट स्टेटेड दैट ऑन हिज एफिडेविट ही हैड प्रीवियसली नॉट मेंशनड समथिंग, सो इट्स नॉट अ पर्सनल थिंग, इट्स जस्ट द फैक्ट दैट ही हैज नॉट मेंशनड समथिंग ऑन हिज एफिडेविट। भैया देखिए, 2004 में 2009 में ओपिनियन पोल्स थे, कह रहे थे कांग्रेस पार्टी हारेगी, और आप जानते हैं क्या हुआ, 2014 में भी वही होने वाला है, कांग्रेस पार्टी जीतेगी, उत्तर प्रदेश बाकी हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा फायदा होगा। भैया वो कोशिश भैया पोलराइजेशन की कोशिश हर बार होती है, हम लोगों को जोड़ते हैं, हम लोगों को एक साथ ले जाते हैं, हिंदुस्तान में लोगों को जोड़ने से फायदा होता है, लोगों को जोड़ने से प्रगति होती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। चलिए आइए, के बाद राहुल गांधी मीडिया से मुखातिब तो हुए, लेकिन साफ तौर पर उन्होंने 2-3 बातें स्पष्ट कर दी। उन्होंने कहा कि ध्रुवीकरण तो हर बार होता है, 2004 में 2009 में भी कोशिश ऐसी की गई थी और कहा गया था कि कांग्रेस हारेगी, लेकिन आपने देखा कैसी जीत हुई, कुछ वैसे ही जीत इस बार भी होगी। अपना दाखिल कर दिया है, नामांकन पर्चा भर दिया है राहुल गांधी ने अमेठी से, और सोनिया, प्रियंका, रॉबर्ट वाड्रा, उनकी बेटी मारा, सब लोग यानी कि पूरा का पूरा गांधी परिवार उनके साथ था। और जैसे ही पर्चा दाखिल कर बाहर निकले, उन्होंने कहा कि 2014 में भी कांग्रेस की वैसी ही जीत होगी जैसे कि 2004-2009 में हुई थी। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए मैंने बहुत काम किया है, महिलाओं को बैंक से मैंने जोड़ा है, दूध का यहाँ पे काफी काम हुआ है, फूड पार्क के बारे में उन्होंने बात की जिसमें कि अमेठी के किसानों को देश के दूसरे हिस्से के किसानों से जोड़ने की बात कही गई, कहा कि इस पर भी काम किया है और आगे भी काम करना है, साथ ही नेशनल हाईवे और रेलवे लाइन पर भी बहुत काम किया गया है, मैंने किया है इस पर काम, और साथ ही साथ आने वाले समय में युवाओं के रोजगार का काम किया जाएगा, युवाओं को वहां पर ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराया जा सके इस पर काम करूंगा। साथ ही कहा कि अमेठी से पारिवारिक रिश्ता है मेरा। और क्या कहा राहुल गांधी ने, 10 साल हो गए कि मैं अमेठी में काम कर रहा हूँ और बहुत खुशी होती है मुझे अमेठी के लिए काम करने की। तीन चीज़ें हमने यहाँ की हैं काफ़ी गहराई से। सबसे पहले महिलाओं के लिए समूह के साथ बहुत काम किया है, तकरीबन 10 लाख महिलाओं को हमने यूपी में जोड़ा है, यहाँ भी बहुत सारी महिलाओं को जोड़ा है, बैंक से जोड़ा है, उनकी आमदनी बढ़ी है, दूध का काम किया है, फूड पार्क की बात की है, फूड पार्क के माध्यम से हम अमेठी के किसान को बाकी हिंदुस्तान से बाकी दुनिया से जोड़ना चाहते हैं, वो हमारा एक बड़ा काम था। और
तीसरा काम नेशनल हाईवे, रेलवे लाइन, इन चीज़ों से अमेठी को जोड़ने का। आने वाले समय में इन चीज़ों को मैं और गहराई से करूँगा। रोजगार का काम, युवाओं के रोजगार का काम भी और गहराई से करूँगा, तो वहाँ मेरा फोकस होगा। कहाँ? यहाँ देखिए, अमेठी में पारिवारिक रिश्ता है, अच्छी जीत होगी। नो एक्चुअली आई डिडंट गेट पर्सनल, आई जस्ट स्टेटेड दैट ऑन हिज एफिडेविट ही हैड प्रीवियसली नॉट मेंशन्ड समथिंग, सो इट्स नॉट अ पर्सनल थिंग, इट्स जस्ट द फैक्ट दैट ही हैज नॉट मेंशन्ड समथिंग ऑन हिज एफिडेविट। तो ये जो बात आप सुन रहे थे राहुल गांधी की, उन्होंने दरअसल मोदी को लेकर सवाल पूछा गया था, क्योंकि अपने नामांकन में नरेंद्र मोदी ने पहली बार अपनी पत्नी का जिक्र किया था यशोदाबेन के बारे में। उसी को लेकर उन्होंने कहा कि मैंने पर्सनल कोई कमेंट नहीं किया था, पर्सनल व्यक्तिगत में नहीं हुआ था, दरअसल मैंने सिर्फ जिक्र किया उस बात की जो उन्होंने अपने पहले एफिडेविट में, अपने जब पहला नामांकन पहले भी जब भरा था तब उन्होंने उस बात का जिक्र नहीं किया था, और इस बार उन्होंने उसका चूंकि जिक्र किया, अपनी पत्नी का जिक्र किया, इसीलिए मैंने सिर्फ उस बात को सामने रखा। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं व्यक्तिगत नहीं हुआ। तो नरेंद्र मोदी को लेकर उनसे सवाल पूछा था संवाददाताओं ने, उस पर उन्होंने साफ साफ जवाब दिया। लेकिन जो काम उन्होंने अमेठी में किए हैं उसको उन्होंने दोहराया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए यहाँ पर बहुत काम हुआ है, समूह को जोड़ने के बाद 10 लाख महिलाओं को जोड़ने का काम हुआ है यहाँ पर, साथ ही साथ महिलाओं को बैंक से जोड़ा गया है, उनकी आमदनी बढ़ी है, दूध का यहाँ पर काम हुआ है, दूध पे फूड पार्क के बारे में उन्होंने कहा कि फूड पार्क पे भी मैंने काम किया है, यानी कि अमेठी के जो किसान हैं उन्हें दूसरे देश के दूसरे हिस्सों के लोगों से, दूसरे देश के दूसरे हिस्सों के जो किसान हैं उनसे जोड़ने की कोशिश जो होती है वो कारगर साबित हुई है। साथ ही साथ अमेठी को नेशनल हाईवे, रेलवे लाइन से जोड़ने की कोशिश वो भी कारगर साबित हुई है, हालांकि उस पर भी अभी काम करना बाकी है, लेकिन ये काम हुआ है। और आने वाले समय में युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराना, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देना, उन्हें काम देना, इस पर काम किया जाएगा। साथ ही साथ ये कहा कि अमेठी से मेरा पारिवारिक रिश्ता रहा है, 10 साल पुराना मेरा अपना व्यक्तिगत रिश्ता रहा है अमेठी से, और उम्मीद है कि यहाँ से अच्छी जीत होगी, ये कहा राहुल गांधी ने। ध्रुवीकरण की बात पर उन्होंने कहा कि ध्रुवीकरण होती होगी लेकिन मैं इसे नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैंने 2004 में 2009 में जिस तरह से ओपिनियन पोल्स आ रहे थे, जिस तरह से कहा जा रहा था कि कांग्रेस की पार्टी सरकार नहीं बनेगी, कांग्रेस पार्टी की हार होगी, लेकिन जिस तरह से 2004 और 2009 में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, 2014 में भी उसी तरह की जीत हासिल करेगी कांग्रेस की सरकार। तो नामांकन दाखिल करने के बाद, अमेठी में पर्चा दाखिल करने के बाद राहुल गांधी बाहर निकले, सोनिया गांधी साथ में उनकी खड़ी थी, और उनके साथ उन्होंने मीडिया को संबोधित किया, मीडिया से बातचीत की, और इस बातचीत के क्रम में उन्होंने ये बातें कही हैं कि महिलाओं को सशक्त करने का काम मैंने यहाँ पर किया है, 10 लाख महिलाओं को जोड़ने का काम किया है, आगे भी और किया जाएगा। अमेठी में 3 बड़े काम मैंने किए हैं, उनमें से सबसे पहला गिनाया कि किस तरह से महिलाओं को जोड़ा गया है, महिलाओं के समूह को 10 लाख महिलाओं को जोड़ने की बात कही, साथ ही साथ कहा गया कि महिलाओं को बैंक से जोड़ा गया है, उनकी आमदनी बढ़े इसके लिए वहां पर काम किया गया है। दूसरी बड़ी बात जो उन्होंने कही कि 3 कामों में जो दूसरा काम उन्होंने गिनाया, उन्होंने फूड पार्क की चर्चा की, फूड पार्क का जिक्र किया, कहा कि यहां पर फूड पार्क का काम हुआ है, यानी कि अमेठी के जो किसान हैं देश के दूसरे हिस्से के किसानों से जुड़ सकें, बेहतर उनका और उनकी खेती बेहतर और तरक्की करे, अच्छा काम हो, इसलिए फूड पार्क पर मैंने जोर दिया, इस पर मैंने काफ़ी मेहनत की है, काम किया है। और तीसरा काम जो अपना उन्होंने राहुल गांधी ने गिनाया वो था नेशनल हाईवे और रेलवे लाइंस का। उन्होंने कहा कि अमेठी को नेशनल हाईवे और रेलवे लाइंस से जोड़ने की कोशिश की गई है, आगे भी और काम होगा, लेकिन ये 3 अहम काम मैंने किए हैं अमेठी के लिए, अमेठी की जनता के लिए।